हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठवीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय सात नगर प्रशासन के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक एक, नगरीय प्रशासन चलाने वाले संस्थान को क्या कहते हैं। तो उत्तर देखेंगे हम, नगरीय प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर पालिका कहते हैं। इस प्रकार से उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक दो, जब किसी नगर में वार्ड के अंदर का की कोई समस्या होती है तो उसका समाधान कौन करता है। उत्तर देखेंगे, नगर में वार्ड के अंदर की समस्या को उस वार्ड के पार्षद समाधान करता है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न तीन, एक पार्षद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो उत्तर देखेंगे, पार्षद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न चार, पुनः चक्रण किए जा सकने वाली किन्हीं तीन वस्तुओं के नाम लिखिए। तो पुनः चक्रण आधुनिक अपशिष्ट को कम करने में प्रमुख तथा अपशिष्ट को कम करने पुनः प्रयोग करने की क्रम परंपरा का तीसरा घटक है। पुनः चक्रण पदार्थों के कई किस्म के कांच, धातु, प्लास्टिक, कपड़ा आदि हैं। इस प्रकार से उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न पाँच है, पार्षदों की समितियों द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने का दायित्व किसका होता है। तो उत्तर देखेंगे, पार्षदों की समितियों द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी का होता है। इसके बाद प्रश्न छः देखेंगे हम, नगर निगम यह सुझाव क्यों देता है कि गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग कीजिए। अब देखेंगे यहाँ पर उत्तर, सूखे कूड़े में पॉलीथीन का कागज शामिल होता है, लेकिन निगम क्षेत्र के लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं। गीले और सूखे कूड़े के मिलने से बदबू पैदा होती है, कूड़ा किसी काम का नहीं होता है। अगर गीला और सूखा कचरा कूड़ा अलग अलग कर दिया जाए तो गीले कूड़े से खाद बनाई जा सकती है, जबकि सूखे कूड़े से रिसाइकल कर वस्तुएं बनाई जा सकती है। इस प्रकार से उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न सात है, नगर पालिका तथा नगर निगम में क्या अंतर है। उत्तर देखेंगे, एक नगर पालिका 20,000 या उससे अधिक जनसंख्या को मिलाकर के बनता है, लेकिन अगर यह 4 लाख से अधिक जनसंख्या वाला हो जाता है तब यह नगर निगम बन जाता है। इस प्रकार से उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न आठ है, यदि हमारे घरों के आसपास कूड़ा जमा रहता है तो उससे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। उत्तर देखेंगे हम, अगर हमारे घरों या आसपास से कूड़ा ना हटाया जाएगा तो इस कचरे से चारों तरफ दुर्गंध फैल जाएगी। इससे पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ेगा और हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नौ है, नगर निगम क्या क्या कार्य करती है। उत्तर देखेंगे, नंबर एक, नगर की सफाई करना। नंबर दो, पीने के पानी की व्यवस्था करना। नंबर तीन, सड़क बनाना तथा उसकी मरम्मत करना। नंबर चार, सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध करना। नंबर पाँच, नालियों की सफाई करना। इस प्रकार से उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न दस है, नगर निगम की आय के स्रोत कौन कौन से हैं। उत्तर देखेंगे, नगर निगम की आय के स्रोत जलकर, संपत्ति कर तथा अन्य सुविधाओं से प्राप्त कर जो होने वाली आय से प्राप्त धन। इस प्रकार से सारे प्रश्नों के उत्तर हल कर लेंगे। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।